functional conformer. फंक्शनल कन्फॉर्मर, फंक्शनल कन्फॉर्मर का मतलब समझे तुम लोग, कन्फॉर्मर का मतलब ठीक है, फंक्शनल कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन का मतलब समझ लो एक तरह से, ठीक है, कन्फर्मेशन, कॉन्फिग्यूरेशन, कॉन्फिग्यूरेशन, कॉन्फिग्यूरेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर. अगर कोई सा भी प्रोटीन जैसे एंजाइम फंक्शन कर रहा है, रिएक्शन उशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई भी प्रोटीन, तो वो कभी भी प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, टर्शरी होगा. इसका एक रीज़न है, इसका एक रीज़न ये है कि जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे बुक ही है, बुक ये वाले दो, मोटी वाली दो बुक, देखो ये है. अब मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है, जैसे ये हो गया वन डायमेंशन स्ट्रक्चर, ये हो गया टू डायमेंशन स्ट्रक्चर. अगर ये किताब मान लीजिए पतली भी हो, तो क्या हम ये दो उंगली से इसको पकड़ सकते हैं? क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर है. आपको पकड़ने के लिए अपने हाथ को थ्री डायमेंशन बनाना होगा, तब जाके आप इसको पकड़ सकते हैं, है ना. तो यही बात है एंजाइम में होगी. अब देखो, ये जो तुम्हारा टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब 3D स्ट्रक्चर को बोलो या सुनो 3D. और आप जानते हैं जो सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है, सर आगे, ठीक है, वो क्या, सबस्ट्रेट जो होता है, ये देख रहे हैं सबस्ट्रेट, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है. तो जाहिर है सबस्ट्रेट इसके साथ क्या करेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट जो होगा वो अगर आप देखते हैं इसके साथ बाइंड करेगा, तभी ना सबस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, सबस्ट्रेट मतलब इस, ये है एंजाइम, इसी के ऊपर जो है, इसी के ऊपर ये सबस्ट्रेट को काम करना है, और सबस्ट्रेट है 3D, तो ये 2D स्ट्रक्चर इसके साथ अटैच तो होगा नहीं, तो इसको कैसा होना चाहिए, 3D, तब जा करके सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड कर जाएगा. जानते हो ये जो कैविटी जो बनी है, ये जो स्ट्रक्चर बना है जिससे सबस्ट्रेट जा करके बाइंड करता है, उसी स्ट्रक्चर को, उसी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट. क्या कहते हैं आप इसको, एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट तभी बनेगा जब स्ट्रक्चर कैसा होगा, 3D होगा, स्ट्रक्चर कैसा, 3D, तभी जा करके क्या बनेगा, एक्टिव साइट बनेगा, और वो एक्टिव साइट बनेगा. और आप देखते हैं, तो इसीलिए जो फंक्शनल प्रोटीन जो होता है, जो फंक्शनल कन्फर्मेशन जो होता है, ठीक है, वो क्या, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है. आप इसके फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन को आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज बाय अल्टरनेटिंग pH, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ये तीनों चीज़ याद रखो, कई जगह पे हम यूज़ करते हैं, आगे भी यूज़ करेंगे. देखिए pH, जिस मीडियम में रखा हुआ है ये एंजाइम और सबस्ट्रेट, आप उस मीडियम का pH वैल्यू चेंज कर दीजिए, इस एंजाइम का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा. आप जिस टेम्परेचर पे ये एंजाइम और सबस्ट्रेट है, आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, पूरे एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा. आप पीएच का, आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन तुम चेंज करो, और इसका स्ट्रक्चर, मतलब जो ये जो फंक्शन कन्फर्मेशन है, ये जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा टर्शरी स्ट्रक्चर, याद रखिएगा. अब टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, बोलो या सुनो, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है होगा, जब एक से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये सब बॉन्ड से अटैच हो जाता है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं. जैसे ये देखो, ये हो गया, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, टर्शरी, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, टर्शरी. अगर ये आपस में, ठीक है, बाइंड कर जाते हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ठीक है, क्वार्टरनरी. ये कोई सा भी बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ETC, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है, ETC, ठीक है, इनसे ये क्या होता है, अटैच होता है. एग्जांपल बताएं इसका, एग्जांपल हो जाएगा इसका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है. देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पर देखिए, ये है हीमोग्लोबिन,
एक दो ये तीन और ये चार। ठीक है, यहां पर जो है इसको देखो, यहां पर आयरन रहता है, फेरिक फॉर्म या फेरस फॉर्म, फेरस फॉर्म ध्यान रखिएगा, यही फेरस फॉर्म ऑक्सीजन से बाइंड करता है, यही ऑक्सीजन को पकड़ता है। ठीक है, और ये सब के सब जो हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, ये सब से सब जो है प्रोटीन रिंग से जुड़े रहते हैं, जिसको आप ग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, यही प्रोटीन है। अल्फा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन। क्या तुम हमको बता सकते हो? जाहिर है ये जो है वो ग्लोबिन चेन है, प्रोटीन चेन है, तो ये किस चीज़ का बना हुआ होगा? अरे प्रोटीन चेन है तो इसका मोनोमर क्या होगा? एमिनो एसिड्स होगा। तुम जानते हो बीटा चेन में कितना एमिनो एसिड्स होता है? 146 एमिनो एसिड। ओ हाँ ठीक है, 146 एमिनो एसिड। अल्फा में ठीक है 141 एमिनो एसिड्स, बीटा में 146 अमीनो एसिड। सिकल सेल एनीमिया में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो चार जो है ये अल्कोहल है। कितना अल्कोहल है? चार। इसको कहेंगे टेट्रा पाइरोल। क्या बोलते हैं? टेट्रा पाइरोल। और इसको हम लोग कहते हैं पोर फायरिन रिंग। क्या कहते हैं आप इसको? पोर फायरिन रिंग। ये दोनों को मिला करके हम लोग कहेंगे हीम, और ये हीम और प्लस ग्लोबिन प्रोटीन चेन क्या हो गया? हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि कई सारे टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। यही ना ऑक्सीजन को कैरी करता है, यही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। यानी एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है? एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बाइंड कर, वो चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ये क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है। तो ये तो हो गया आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यानी ये चार तरह का जो है वो आपको स्ट्रक्चर हो गया, ये चार तरह का। कुछ मेजरली एनसीईआरटी में आपका इतना ही है प्रोटीन्स के बारे में, कुछ हम लोग कहानी के तौर पे और थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं कहानी के तौर पे। ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा, हो सकता है ये भी आ जाए। जैसे अब देखिए, देखो जरा सा, अब प्रोटीन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे। ठीक है, बस समझाने दो, एक होगा और एक होगा, इसको क्या बोलेंगे बताओ तो? ग्लोबुलर, गोल गोल प्रोटीन, इसको क्या बोलेंगे? फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है? फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन जो होगा वो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, और ग्लोबुलर जो होगा वो सॉल्युबल इन वाटर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए तो कुछ फाइब्रस प्रोटीन का। ठीक है, हाँ कॉलेजन हो, कॉलेजन हो गया, कॉलेजन फाइबर था, इलास्टिन फाइबर था। ठीक है, एक्टिंग मायोसिन, एक्टिंग मायोसिन छोटा छोटा फाइब्रस था जो कहाँ प्रेजेंट होता था? मसल सेल्स में। एक्टिंग मायोसिन, कॉलेजन, इलास्टिन, एक जो इम्पोर्टेंट है वो शायद एनसीईआरटी में भी है, फिब्रीन, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं? फिब्रोइन। ठीक है, ये भी जो हो जाएगा वो क्या होगा? फाइब्रस होगा। ठीक है, ये भी क्या हो सकता है? फाइब्रस। ये सब फाइब्रस प्रोटीन होगा। ग्लोबुलर प्रोटीन, गोल गोल प्रोटीन। ठीक है, जैसे तुम्हारा सबसे पहले देखोगे कि ये ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन हीमोग्लोबिन वाला जो प्रोटीन है, तुमको दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन वो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा होता है। ये देखो, ये ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। तो खैर, ग्लोबिन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा। हिस्टोन जानते हो तुम लोग? हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, वो सिर्फ डीएनए नहीं रहता है, वो डीएनए के साथ एक खास तरह का प्रोटीन भी रहता है। उस प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और ये हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मिल करके क्या बनाता है? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मिल करके क्रोमैटिन बनाएगा, और वही क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है तो उसको कहते हैं क्रोमोसोम, कहते हैं उसको आप क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिल करके क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का मतलब ये हो जाएगा कि जब ये रिलैक्स रहेगा, कंडेंस नहीं रहेगा, यही जब कंडेंस हो जाता है किसमें? मेटाफेज स्टेज में, एक खास स्टेज होता है सेल डिवीजन में, आगे बताएंगे, तो इसको आप क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और इसको आप क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन ये मत समझिएगा इसमें सिर्फ डीएनए रहता है, ठीक है, नहीं, डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी रहता है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन रहता है। ठीक है, वही हिस्टोन। एंजाइम्स हो सकता है,
है कि नहीं, एंजाइम्स के बाद हॉर्मोन्स हो सकता है, ठीक है, ये सब मोटा मोटी, हालांकि और भी है, ग्लूटेनिन भी है, ठीक है, और ग्लूटेनिन भी है, जीन भी है मेज में, अलग अलग ये अगर देखेंगे और भी हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ो, जो मेन जो है आपको याद रहने वाली जो चीज़ है वो क्या है, ग्लोबिन है, हिस्टोन है, हॉर्मोन्स है, एंजाइम है, ये सब कैसा प्रोटीन है, ये सब ठीक है ग्लोबुलर प्रोटीन है, एंजाइम, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, अगर हॉर्मोन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता तो हॉर्मोन तुम्हारे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है, और ब्लड में 90-95-92% पार्ट जो होता है वाटर होता है, तो उसमें ये सॉल्युबल होता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस। अब आगे देखिए, ठीक है, इधर देखिए, ठीक है, आगे देखिए, इधर देखिए, सोमत, इधर ध्यान दो, ठीक है, हाँ, अब जो है हम लोग जरा सा देख लेते हो, ठीक है, अब जरा सा एक चीज देख लेते हैं, प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे दो तरह का प्रोटीन होगा, ठीक है, एक होगा सिंपल प्रोटीन, समझे, इसमें सिर्फ क्या होगा, एमिनो एसिड्स होगा, सिर्फ प्रोटीन रहेगा, सिर्फ एमिनो एसिड, सिंपल, और कुछ नहीं रहेगा, और दूसरा क्या हो सकता है, कॉन्जुगेट प्रोटीन, ठीक है, ये क्या रहेगा, कॉन्जुगेट प्रोटीन रहेगा, कॉन्जुगेट प्रोटीन में आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक तो प्रोटीनेशियस पार्ट भी रहेगा, प्रोटीनेशियस पार्ट भी रहेगा, और दूसरा जो है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी रहेगा, है ना, नॉन प्रोटीन, प्रोटीनेशियस पार्ट को हम लोग कहेंगे एपो प्रोटीन, ठीक है, एपो प्रोटीन, और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को कहते हैं, ठीक है, कोफैक्टर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोफैक्टर कहते हैं, इसको अभी बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग को और अच्छे से पढ़ना है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, लेकिन ये आपको जो दिया हुआ है वो एंजाइम्स में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, एंजाइम, वहीं पर पढ़ेंगे को एंजाइम्स क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये सब वहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको जो है वो रहने दिया जाए, ठीक है, रहने दिया, ये थोड़ा बहुत, तो आप देखेंगे कि ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रोटीन फिनिश, ठीक है, प्रोटीन जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो है इसके फर्दर जो है वो आगे देखते हैं, प्रोटीन के बाद रुक जाना ज़रा सा, ठीक है, ज़रा सा हम लोग स्ट्रक्चर पे भी जो है वो ज़रा सा हम लोग स्ट्रक्चर को भी, ये जो दिया हुआ है उसको हम लोग ज़रा सा देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को देखिए, देखोगे यहीं पे कुछ कुछ टर्म इम्पोर्टेंट है, देखो ये जो है, ठीक है, ये इसको ज्यूटराइन कहेंगे, ज्यूटराइन नहीं, ये बी इज कॉल्ड ज्यूटेरिंग, देखो है तो ज्यूटराइन, ज्यूटर मॉलिक्यूल है ये, वो भी है, लेकिन जो ज्यूटेरोनिक फॉर्म जो होगा जिसमें एक साथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट रहेगा वो यही रहेगा, ज्यूटेरोनिक आयन जिसको कहेंगे, ठीक है। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विद ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, अच्छा ये जो है अभी इसमें नहीं, ये बताएंगे आगे, ठीक है। देखो जरा सा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ठीक है, तो जरा सा देखिएगा उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, सबसे पहला देखो क्या लिखा, वी कैन कॉल दिस मॉलिक्यूल अ मेटाबोलाइट्स, कौन सा मॉलिक्यूल मेटाबोलाइट्स कहलाएगा, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म पार्टिसिपेट करता है। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1, ठीक है, 9.1 में आपका, ठीक है, वो सब मॉलिक्यूल्स के बारे में, वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक, सब के बारे में वहां पर दिया हुआ है, तो वो वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, आयंस, लिपिड, ये सब क्या है, इसका फंक्शन तुम जानते हो, ये सब का फंक्शन जानते हो, बोलो ना भाई, हैं, प्रोटीन का फंक्शन नहीं जानते हो, जानते हो ना हो, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन नहीं जानते हो, अरे जल करके एनर्जी देता है, प्रोटीन बॉडी बिल्ड करता है, अभी फंक्शन भी जैसा बता रहे हैं,
यहाँ पे इसी इसी चार्ट में बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए कंपाउंड आर शोन इन दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्राइमरी। हाउ ओवर वन एनालाइजेस प्लांट फंगल एंड माइक्रोबियल सेल, ठीक है, प्लांट फंगल, यानी कि आग अगर देखेंगे, ये छोड़ दीजिए आप एनिमल छोड़ दीजिए, प्लांट सेल में, ठीक है, फंजाई में प्रोटिस्टा और तुम्हारा मोनेरा, ये कैसा सेल है, माइक्रोब से छोटा है दिखेगा, एक सेल का बना था तो माइक्रोबियल सेल कह सकते हैं, इनमें फंजाई में और प्लांट सेल में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावे भी जो है वो क्या रहता है, कुछ प्रेजेंट होता है कुछ मेटाबोलाइट जिसको आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। वन वुड सी द थाउजेंड कंपाउंड अदर देन प्राइमरी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावे, जैसे एल्कलॉइड फ्लेवॉइड, ठीक है, ये सब जो कुछ दिया हुआ है, एल्कलॉइड तो दिया, फ्लेवॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंड गम, स्पाइसेस, ठीक है, ये सब स्पाइसेस जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। सेंट कौन लगाता है, प्लांट लगाता है, ठीक है, हम लोग लगाते हैं, ठीक है, सेंट, गम्स, कलर्ड पिगमेंट, वो भी हम लोग वहाँ से निकालते हैं, एंटीबायोटिक्स के तौर पे जो यूज़ करते हैं, प्लांट यूज़ करता है एंटीबायोटिक्स के तौर पे, अरे हम यूज़ करते हैं वहाँ से निकाल के एंटीबायोटिक, एसेंशियल एल्कलॉइड्स, ये देखो एल्कलॉइड्स है, ठीक है, ये सब है एल्कलॉइड्स, फ्लेवॉइड्स, ठीक है, ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है, एल्कलॉइड्स हो जाएगा, फ्लेवोनॉइड्स हो जाएगा, उसके बाद जो है वो एंटीबायोटिक्स हो जाएगा, कलर्ड कंपाउंड हो जाएगा, कलर्ड पिगमेंट्स हो जाएगा, सेंट हो जाएगा, ठीक है, गम्स, स्पाइसेस, स्पाइसेस भी है, मसाला वसाला, ठीक है, कौन मसाला में खाना बनाता है, प्लांट की, हम, ठीक है, लेकिन प्लांट का खाना बनाता है, स्पाइसेस का वहाँ पे क्या रोल है, ठीक है, गम्स का क्या रोल है, फ्लेवोनॉइड्स का क्या रोल है, एल्कलॉइड्स का क्या रोल है, कलर पिगमेंट्स का क्या रोल है, ठीक है, इसका कुछ भी हमको पता नहीं है। हाउ है मेनी ऑफ द यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, बहुत सारे जो ह्यूमन वेलफेयर को क्या रहे हैं, यूजफुल है, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स, ठीक है, बहुत सारा जो है वो हमको ह्यूमन यूज में क्या होता है, बड़ा वेलफेयर होता है, ह्यूमन वेलफेयर में ये यूज होता है हम आप, ठीक है। देखो 8 to 800 डाल्टन, 80, ये क्या होगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कितना 18 से लेकर के, ठीक है, 800 डाल्टन, लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूल वेट, देखो लिखा हुआ है वहां पर, लिपिड्स क्या होता था, माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो लिपिड माइक्रो था, उसके बावजूद भी वाटर में सॉल्युबल नहीं था, देखिए ना भाई लिपिड में होता ही क्या, आप देख लीजिएगा, लिपिड में एक अल्कोहल होता है और फैटी एसिड्स होता है और तो इसके अलावा कुछ होता नहीं है, वही लिखा है लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल वन मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ठीक है, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल भी होता है, ठीक है। अब रुको यहाँ पर देखो, ये प्रोटीन का जो है वो आपको क्या दिया हुआ है यूज दिया, प्रोटीन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इधर देखो, इधर उधर नहीं देखो, इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहले ट्रिप्सिन, आप जानते हैं ट्रिप्सिन कहाँ पर यूज होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है, कहाँ पर यूज होता है बता सकते हो, ट्रिप्सिन, हाँ ट्रिप्सिन जो है वो हमारे इंटेस्टिनल जूस में रहता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है, हालांकि प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम है ये और प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है, इसी को क्या बोलेंगे, ट्रिप्सिन कहेंगे। उसके बाद ट्रिप्सिन के बाद फिर अगर देखेंगे, ठीक है, जैसे ये ट्रिप्सिन, अच्छा कॉलेजन फाइबर, सॉरी रुके एक मिनट, कॉलेजन, कॉलेजन के बारे में, इलास्टिन के बारे में, ये सब के बारे में बताया है तुमको, ये सब किसका, कॉलेजन जो है वो प्रोटीन का बना, कौन से प्रोटीन, कॉलेजन प्रोटीन, ठीक है, ट्रोपो कॉलेजन मॉलिक्यूल से बना था कॉलेजन प्रोटीन, इलास्टिन, इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। आपको याद होगा कॉलेजन का क्या काम होता था, सेल्स होता था ना, सेल्स टिश्यू में, यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस होता था और यहाँ पे क्या होता था, ठीक है, क्या होता था, वही कॉलेजन फाइबर होता, वही लिखा हुआ कॉलेजन, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन। ट्रिप्सिन ये आपको डाइजेशन ऑफ फूड एंजाइम की तरह काम करेगा। उसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन जानते हैं आप लोग, इंसुलिन जो है वो आपको, ठीक है, किसके तरह काम करता है, हॉर्मोन्स की तरह, हॉर्मोन्स की तरह, जरा देखोगे ये है हमारी ब्लड वेसल्स और इसमें क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, हमने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज यहाँ हो गया, ठीक है, ब्लड में चला आता है, ये जो तुम्हारा ये है, मतलब इंसुलिन है, यहाँ पर सेल होगा, खास करके हिपैटिक सेल, हिपैटोसाइट्स होगा, ये क्या करेगा, ये इंसुलिन जो रहता है, इंसुलिन जो मॉलिक्यूल्स है इसी में डिजॉल्व रहता है, ये ग्लूकोज का, ग्लूकोज को ब्लड से हटा देता है, ठीक है। इस सेल के अंदर यानी हिपैटिक सेल और एडिपोसाइट, हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट, लीवर का सेल
और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के सेल में इस ग्लूकोज को घुसा देता है। ठीक है, घुसा देने का मतलब है अपटेक करवा देता है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन वर्ड बाय वर्ड बोल रहे हैं एनसीईआरटी के, अपटेक करेगा उसको, अंदर घुसा देगा एंड उसका ये क्या करेगा, यूटिलाइजेशन करवा देगा, अंदर में इसका यूज करवा देगा। कैसे भी, या तो इसको जला देगा और जिससे जलाने के बाद एनर्जी मिलेगी, ये लीवर काम करेगा, या फिर ठीक है, या फिर इसको कन्वर्ट कर देगा कोई और चीज में। ठीक है, या तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे, या फिर अगर और ज्यादा हो जाए तो फिर इसको फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यही काम है इंसुलिन का, अपटेक है यूटिलाइजेशन, हॉर्मोन्स का काम करता है। एंटीबॉडीज फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, एंटीबॉडीज भी जो है वो आप देखेंगे, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। आप देखेंगे एंटीबॉडीज जो होता है वो इस तरह का है, एक एक ये प्रोटीन चेन, एक ये प्रोटीन बड़ी बड़ी, और दूसरी ये, और तीसरी ये, और चौथी ये, टोटल चार जो है वो क्या है, प्रोटीन रहता है एंटीबॉडीज में। आप जानते हो ना एंटीबॉडीज क्या काम करता है, प्रोटीन है क्या, डिफेंस, डिफेंस का काम करेगा। उसके बाद रिसेप्टर, आप देखेंगे कि ये सेल, देखोगे ना सेल, सेल के मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन, सेल के मेम्ब्रेन कई जगह पे हो सकते हैं रिसेप्टर, और ये बहुत सारी चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, सेंसरी रिसेप्शन करेंगे, सेंस जो सेंसेशन आएगा, मान लीजिए सेंसेशन इस सेल के अंदर आना चाहिए, उसको भी ये रिसीव करेंगे। ठीक है, सेंसरी रिसेप्शन ये करते हैं, स्मेल का, टेस्ट का, हॉर्मोन्स का, हॉर्मोन्स को भी ये अंदर करते हैं, आप देख लीजिएगा आगे आएगा। ठीक है, स्मेल के सेंसेशन को भी ये रिसीव करेंगे, टेस्ट के सेंसेशन को रिसीव करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या है, ग्लट फोर मतलब ग्लूकोज अपटेक। ठीक है, इसका हाँ, ग्लूकोज ठीक है, अपटेक, अपटेक और ट्रांसफर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हाँ ग्लूकोज, ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये वही सेल है, एनिमल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। देखो ये सेल है ना, सेल के अंदर अगर किस ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना है, जाना है, तो यहाँ पर एक आएगा कैरियर प्रोटीन, क्या आएगा यहाँ पे, कैरियर प्रोटीन आएगा, यही कैरियर प्रोटीन से ये ग्लूकोज माइन करेगा, ये कैरियर प्रोटीन घूम जाएगा, कैरियर प्रोटीन घूम जाएगा, तो कैरियर प्रोटीन अगर घूम जाएगा तो बताइएगा, कैरियर प्रोटीन घूम जाएगा तो ये ग्लूकोज किधर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, है ना, और उसके बाद फिर ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, है ना। तो ये तो यानी कि ग्लूकोज को सेल के अंदर किसने ट्रांसपोर्ट कराया, यही जो कैरियर प्रोटीन, यही ग्लट फोर कराया। आप जानते हैं कोलेजन फाइबर का फंक्शन, ट्रिप्सिन का फंक्शन, ग्राउंड सब्सटेंस का ट्रिप्सिन एंजाइम है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करेगा। ठीक है, इंसुलिन का फंक्शन, ग्लूकोज का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ब्लड में से ग्लूकोज को बढ़ाएगा, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा, ये कम कर देगा, कम कर देगा, इसी को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया या हाइपर हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। तो ये क्या कॉज कराएगा, ब्लड में इंसुलिन ग्लूकोज को कम करेगा और ये करेगा तुमको हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, ये हो सकता है इंसुलिन। उसके बाद फिर देखो एंटीबॉडी, डिफेंस, रिसेप्टर प्रोटीन जो कई तरह के सेंसरी रिसेप्शन करेगा, हॉर्मोन्स को उसका रिसीव करेगा, और स्मेल और टेस्ट, और सबसे लास्ट में ग्लट फोर, ये वो कैरियर प्रोटीन है जो ग्लूकोज का अंदर सेल के अंदर अपटेक करवाएगा, मतलब सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराएगा, ठीक है, बाइंड करके। तो ये ही है आपको क्या, ठीक है, ये प्रोटीन्स का फंक्शन हो जाएगा, प्रोटीन यहाँ तक रहने दीजिए। आप लोग बात मत करिए सर, आ गए, अपना बैठ के जो है वो पढ़ाई करिए, ठीक है, बैठ के पढ़ाई करिए, बात नहीं करिए।